जय श्री राम। पराठा पराठे बंडा, पराठे संग रायता चटनी अचार, मिक्स पराठा 100 रुपये का, 100 रुपये का मिक्स मक्खन में 120 का। दादा यहाँ का स्पेशल कौन सा पराठा? स्पेशल पराठा सर आलू का, समथिंग 300 लोग जी। तो क्या क्या मिलता है अपने? खाली पराठे सर। पराठे में कौन कौन सी वेरायटी? आलू पराठा, आलू प्याज पराठा और दाल, और सर्दियों के सीजन में हो जाता है गोभी का, मूली का, मिक्स वेज का। साइज ही रहता पराठे का? जी जी, 19-20 होता रहता है सर। आप कम कराना चाहो, छोटा कराना चाहो, छोटा बन जाता है। तो रेट क्या रहते हैं? रेट अभी 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक है सर। 100 रुपये वाला कौन सा? आलू वो घी में हो जाता है सर, दही साथ में मिल जाती है उसमें। ठीक है आगे। जी घी आ गया। प्याज भी डाल दो ऊपर से। हाँ प्याज डाल दीजिए, आलू प्याज क्या हो गया। साइज काफी बड़ा रहता है जी, लगभग रहता है 150 ग्राम के आसपास। 150 ग्राम के आसपास रहता है एक पराठा। हाँ 125 से 150 ग्राम के। रेट भी काफी बढ़िया लगे इस क्वालिटी के पराठे के लिए, तो क्योंकि साइज काफी अच्छा है, फिलिंग भी काफी अच्छी है। अब टेस्ट करके देखेंगे कि क्या टेस्ट है। मेरी चटनी लगा जाएगी तो आपका भी फेवरेट होगा भैया पराठा। हाँ सर आज ही खाते हैं सर बिल्कुल। कौन सा फेवरेट है आपका? मैं भी आलू पराठे खाता हूँ सर। आलू पराठे, आलू तो सभी का फेवरेट रहता है। रेडी है ये? रेडी रेडी। तीनों को आलू प्याज का पराठा पसंद है तो दो पराठे तीनों लोग हो जाएंगे। साइज बड़ा है, इतना बड़ा है। राजमा ही दाल छोले रहते हैं, ये रहता है अलग। देखो ना कितने मिलो आलू प्याज के बनने हैं पराठे? जी दोनों आलू प्याज। यहाँ सबसे ज्यादा डिमांडिंग आलू का रहता है जी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और ये देख लो गाइस पराठे का साइज देख लो आप। दो सब्जी है, उड़द राजमा की दाल और पिंडी छोले, रायता, सलाद, 3 प्रकार का अचार। सब्जी का अनलिमिटेड रहती है? हाँ खाना खाने में बिगड़ना नहीं चाहिए। दही बूरा रायता वो अलग से है, दही बूरा अलग से है। वो कितने का? वो 20 रुपये का कुल्हड़ है। 20 रुपये का कुल्हड़ जी। दही की क्वालिटी भी घर की है बिल्कुल, मतलब घर के ज्यादा सारा जी। हाँ जी हाँ जी लगभग लगभग। लोकेशन क्या रहती है? ये कासन से जिला पड़ता है, नदरी से जो बाईपास निकला हुआ है ना, सिटी को पूरा छोड़ देता है वो बाईपास। अच्छा। उसमें गाँव पड़ता है दानियागंज। अच्छा। उसकी चिपका हुआ है। पराठे 108 प्रकार के। कौन कौन से रहते हैं भैया? पराठा जैसा आप खाओगे, आलू का, गोभी का, बूटी का, प्याज का, टमाटर का, मशरूम का, करेले का, मलाई का, भिंडी का, तुरई का, सिंगम का, चीज का, क्रीम का, सोए का, काजू का, गुलकंदी, जितने तरह के पराठे भैया, वेज कीमा का, सोयाबीन का, दाल का, फ्रूट का, सारे वेज रहते हैं, ड्राई फ्रूट का। हाँ ओनली वेज। अच्छा उसके साथ साथ आप ये अचार भी वगैरह सर्व करते हैं? अचार भी रखते हैं पराठे सर। कौन कौन सा अचार रहते हैं भैया? चुकंदर का है, आलू का है, मिर्ची का है, मिक्स है, ज्यादा हो गए। एक ही टिक्की डालते हो? जरूरत पड़ती तो ब्रेड भी डालते थे, जो भी डालते थे, पराठा नहीं सके। हाँ जी हाँ अचार भी बदलते रहते हैं। अचार बदलते रहते हैं अचार और पराठे को बदलते। तो भैया रेट क्या रहते हैं आपके? पराठा जैसा आपका पराठा रेट 70 रहेगी। जैसा आलू आलू प्याज का क्या रेट रहता है? आलू का पराठा नॉर्मल 60 रुपये का। अच्छा अच्छा आपका 60 रुपये का, मक्खन में 80 का, तेल में 70 का, देसी में 100 का। अच्छा आलू प्याज तो कितनी वेरायटी रहते हैं? वेरायटी तो 108 प्रकार के पराठे। 108 प्रकार की? अभी कौन सा बना रहे हो? हरी केसर, इसे हरी केसर बोलते हैं? अरे धनिया को हरी केसर बोलते हैं आप भैया? क्या कहा गया इसमें? आ गया नमक, आ गया मिर्च, आ गया धनिया, आ गया गरम मसाला। श्री राम।
भैया इसमें आटा ही रहता है, मैदा वाला भी रहती है? नहीं, खाली आटा, प्योर आटा रहता है। प्योर आटा, ऐसे कुछ चीज़ नहीं करानी पड़ती, नहीं वैसे बनाते हैं। थोड़ा दूध यार, ना चाय बनाई बाकी ना पानी। जय श्री राम। रिफंड है अंकल? रिफंड में जाए, रिफंड में कितने का रहता है ये? रिफंड में 100 रुपए का, मक्खन में 120 रुपए का है। मक्खन कौन सा, मक्खन कौन सा यूज करते हैं आप? अमूल, अमूल का यूज करते हैं मक्खन सारा। तो किस नाम से तो आपकी दुकान? आपकी पराठे, पराठे भैया तो ढाबा है, जय श्री राम के नाम से पराठे। जय श्री राम पराठा, पराठे बंडा संजाग नहीं लेना पड़ेगा, उससे ऑर्डर रख लेना। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम नहीं खा पाता। हम कभी कहूँ जानो यार, घूमने का पराठे बनाएगा कल से, दोबारा इंतजार कर रहे हैं। ये कटिंग हो रही है, तो ये हो रही है अपने पराठे कटिंग। भैया हो गए रेडी? हाँ जी रेडी है, अब रेडी चल रहा है, काम तैयार हो गया। ज़्यादा मत करिए, तो दो भैया। लोकेशन क्या रहती है अपनी? लोकेशन जी फतेहाबाद रोड। ये फतेहाबाद रोड है, सामने आईला वागरा, आईला वागरा के सामने ऑटो शोरूम के पीछे हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के बराबर से। 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे, 7 बजे से रात के 12 बजे तक।